हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हम आए हैं आज वैनिश मॉल में, तो आप भी हमारे साथ घूमिए। हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं आज वैनिश मॉल में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को सनग्लासेस लेने थे, तो हम इसलिए लेंस कार्ड में गए थे अपने लिए सनग्लासेस देखने के लिए, क्योंकि उनके जो सनग्लासेस हैं वो टूट गए, तो हमने सोचा नए बनवा लेते हैं। तो इस वजह से अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो सनग्लासेस अपने लिए लेने गए थे। और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सनग्लासेस थे, काफ़ी बहुत ही अच्छे। मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रही थी अपने लिए, मुझे भी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने भी फिर एक ले लिया, पर लिया मैंने मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। मैं हस्बैंड ने यहीं से परचेज़ किया है, मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, बस थोड़ा ये डिफरेंस आया। बाकी हमने बस वैनिश मॉल घूमा थोड़ा सा और बर्गर खाया, बस यही हमने किया। तो आप भी देखिए वैनिश मॉल कैसा है, काफ़ी अच्छा वैनिश मॉल है वैसे, तो आप भी देखिए। मटरी 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 हेलो फ्रेंड्स, हम आए आज वैनिश मॉल में। यहाँ पर कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वही करने के लिए आए हैं। अब हम बर्गर खाने के लिए बैठे हैं, हमने सोचा थोड़ा बर्गर खा लिया जाए, तो हम किसी के वेट कर रहे हैं। ऑर्डर हो गया, दे दिया है हमने, ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं। अभी हस्बैंड गए थे, बोल रहे 5 मिनट लगेगी, अभी हमें 5 मिनट और वेट करना है। बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा।
हम मॉल में घूम लिए हैं, बर्गर भी खा लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। अब हम आपसे मिलते हैं घर पे। अब लेट तो बहुत हो गया है, खाना बनाने का भी टाइम नहीं रहा है। देखते हैं क्या करते हैं, घर पे जाके खाना बनाती हूँ या रास्ते में से लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम घर आ चुके हैं मॉल में से घूमकर। खाना हम बाहर ही खाकर आ गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए घर पे आके खाना बनाते तो बहुत टाइम हो जाता, इस वजह से खाना हम लोग बाहर ही खा के आए। उसकी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि छोटा बच्चा साथ में होता है तो इतना शूट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी। अब हम घर आ चुके हैं और अद्विक जो है वो मस्ती कर रहा है पूरी, उसकी दवाई लेके आए हैं। वो थोड़ा वोमिटिंग वगैरह उसने की आज, तो इसलिए उसके डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो सोचा वेनिस मॉल भी घूम आए, तो वहाँ भी घूम कर आए हम लोग। अब दवाई वाई से मैंने दे दी है, अभी खेल रहा है, अभी आराम है काफ़ी इसको। आज मैंने इसको दूध पिलाया था तो वो भी, दूध भी इसने सारा बाहर निकाल दिया था वोमिटिंग में। सेरोलेक खिलाया तो वो भी निकाल दिया, तो इस वजह से हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए कि देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। डॉक्टर ने बताया वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस थोड़ा गर्मी की वजह से हो गया है, आजकल बच्चों को गर्मी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगी कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो प्लीज़ उनको थोड़ा ध्यान रखिए गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है हमारी भी कुछ गलती रही है, क्योंकि हम भी इसको धूप में बाहर घुमाने लेके चले जाते हैं तो वो हमारी भी मिस्टेक रही है, तो हम भी उस चीज़ को सुधारेंगे। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती है गर्मी। तो बस यही है आज का अपडेट थोड़ा सा, और बस खाना वगैरह हम खा के आ चुके हैं। अब हम बस दूध दूध लेना है, दूध क्योंकि नॉर्मली बात है कि दूध सब लोग पीते हैं छोटे छोटे टाइम, तो बस मुझे दूध गर्म करना है, अपने और अपने हस्बैंड को दूध देना है। और हैं, आप भी बोलना चाहोगे कुछ बेटा? हाँ बेटू, आप भी कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलोगे आप भी? वो अपनी दवाई का रैपर खा रहा है। हाँ तो चलो ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि मैं कैसा कर रही हूँ। प्लीज़ थैंक यू।